का सबसे सस्ता स्मार्टफोन आकर इंडिया में कैसे फेल हो गया? गाइस ये स्मार्टफोन कोई ऐसी वैसी कंपनी ने नहीं बनाया, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम जायंट जियो और दुनिया की सबसे बड़ी टेक जायंट गूगल दोनों ने मिलकर जियो नेक्स्ट बनाया। उम्मीद तो ये थी कि पहले साल 2 करोड़ फोन बेच देंगे, मगर साल के आखिर तक मुश्किल से 20 लाख फोन बिके। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सबसे सस्ता स्मार्टफोन उतना भी सस्ता नहीं था, क्योंकि 6,500 के प्राइस में बिल्कुल एवरेज फीचर्स दिए गए। अगर इसमें 500 और खर्चा करके 7,000 में चाइनीज फोन ले तो डबल अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे बिना गारंटी के। मगर मोटा भाई का प्लान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? गाइस उनका ओरिजिनल प्लान था कि सिर्फ 3-4 हजार में स्मार्टफोन बेचे, मगर उसी साल चिप की शॉर्टेज हो गई जिससे प्राइस बढ़ाना ही पड़ा।